और ऑडियो ऑडियो भी बहुत अच्छी थी। आप 100 आउट ऑफ कितना रेट करना पसंद करेंगे ऑडियो? ऑडियो को ऑडियो माशाल्लाह 100% थी। वीडियो भी 100% थी। Hi guys, it's me, Lizna Malik here. I'm from Karachi and आज का शो मैं होस्ट कर रही हूँ जिसके लिए आपको मुझे करना है वोट. So please guys, do vote for me. Thank you so much. ये थी राफिया और मेरे ख्याल से हमने कॉल मिलाई थी, लाइन शाइन कट गई, लेकिन बड़ी ही टैलेंटेड है, बहुत खूबसूरत मॉडल है और जितनी भी फीमेल मॉडल्स नहीं आ रही उनमें ये इसलिए अच्छी लग रही है, खूबसूरत होना एक अलग चीज़ है लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी, परफॉर्मेंस इन्होंने अच्छी की है और इसमें मेरे ख्याल से परमेश का भी बहुत हाथ होगा। परमेश ने मुझे तो क्या कहते हैं काफ़ी सपोर्ट और थ्रू आउट जो है ना, मैं तो उससे यानी ही वॉज माई मेंटोर एट ऑन दैट उस वीडियो तक रखे उस वीडियो तक ऑब्वियसली तो मुझे बहुत हेल्प आउट किया एंड मेरे ख्याल से मॉडल तो जेन्युइनली जो है ना वो टैलेंटेड है, टैलेंटेड थी, टैलेंटेड है, एक्सप्रेशन मतलब क्या थी, क्या मतलब यानी ऑन द डे, ऑन द डे अच्छा ये चलो भाई ठीक है। तो बहरहाल इस तरह और भी अगर जितने लोग हैं हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और जहाँ तक परमेश की बात है माशाल्लाह बहुत ही आला वीडियो बनाई है, बहुत टैलेंटेड है और आई होप के वो आगे जो वीडियोज उसे मिलेंगे उसमें खांचे नहीं मारेगा, उसमें 1.5 लाख 1 लाख के अंदर ही बनाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा ना हो रहा तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं क्योंकि हमारा तो पंटेर है, बच्चे अपना, वो कहते हैं ना जब इस तरह चला है बच्चे अपना, यार बच्चे हमने सिखाया सब कुछ। आप सब परमेश से बिल्कुल कॉन्टैक्ट करो जिन्हें भी वीडियो बनानी है, काम करने में आपको दासू मजा आएगा और जब आप वीडियो टी पे आएंगे तो आप ये ना समझिएगा कि आप ही टेक करेंगे, यहाँ पे भी आपको बहुत मजा आएगा और असल में होता ही है भाई अच्छा काम करेंगे तो भाई फिर मजा ही आएगा, लेकिन अगर आप बुरा काम करेंगे तो फिर तो वो मतलब फिर तो बनता है, बनता है ना। तो इसी बात के साथ कमेंट्स लगाने हैं क्या करना रीकैप, चलो भाई वीडियो भी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी वीडियो थी, अच्छी एफर्ट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, द लिरिक्स आर फाइन, म्यूजिक इज वेरी गुड, मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी थी, पॉप म्यूजिक था, मुझे ऐसे म्यूजिक तो बहुत पसंद है। साउंड कैसा था? बहुत जबरदस्त, और वीडियो बहुत ही अच्छी, बड़ा जबरदस्त सॉन्ग था जी और उसमें था भी पंजाबी सॉन्ग। अब वक्त आ गया है कि आपको बताया जाए कि बिली एक्स के इस ऑडियो को और परमेश के बनाए हुए इस वीडियो को आवाम ने कितना पसंद किया। जहाँ तक भाई ऑडियो का ताल्लुक है तो मैं कहता हूँ कि डिफरेंट फॉरम्स पे भी अपनी ISP.com, parkmediarevolution.com और इस तरह की जितनी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर भी ये गाना हिट है, हर जगह नंबर वन ही नंबर वन है और हमारे चार्ट्स पे भी ये नंबर वन की तरफ जा ही रहा है। जो नंबर मिले हैं हर एक ने सुनने के बाद यही बोला कि बहुत आला है और एक बड़ा डिफरेंट साउंड है, लग नहीं रहा पाकिस्तानी गाना है। और वाकई भाई तुम्हारा अपना है? नहीं नहीं अपना ही, अपना ही है। ये तो नहीं छपाई मारी? नहीं नहीं टेंशन नहीं लेने का। हाँ हाँ वैसे इसका अपना ही गाना है, जितनी अच्छी शायरियाँ करता है। तो जो ऑडियो का नंबर मिले हैं वो है जी 100 में से 100 तालियाँ, एडिटिंग से लगा देंगे, एडिटिंग हमारे पास है बड़ी अच्छी नई वाली है। अच्छा जहाँ तक वीडियो के ताल्लुक है तो वीडियो अगर हम परमेश के पुराने वीडियोज़ रिकॉल करें तो एक वीडियो उन्होंने, चलो खैर वो तो छोड़ दें, जो वीडियोज उन्होंने बनाए बनाए, लेकिन अब जो वीडियो उन्होंने बनाया है और इसके बाद एक और वीडियो मैंने उनका देखा जो अभी ऑन ईयर नहीं आया, तो लगता नहीं है कि उनके हाथ का काम है। हो सकता है कि कहीं वो गए हों और वहाँ से कोई उन पर कोई क्रिएटिव जिन जो है आ गया हो और उसकी वजह से काम बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि काम बहुत आला किया उन्होंने जटनी में और बहुत ही आला वीडियो, कहीं भी ड्रैग नहीं हो रही। और एक चीज़ जो हमेशा से परमेश के काम में हम उसे बोलते थे ये क्या कर रहा है भाई, कि वो जो एक गोरा टच था वो मिस था, वो अब नज़र आ रहा है। अच्छा किया कि वो वीडियो टी से चला गया, अब वीडियोज़ का काम कर रहे हैं, उसमें ज़रा रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है, यहाँ तो हम उसकी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा करते थे कि उससे बर्दाश्त ही नहीं होती थी। तो खैर जो वीडियो को नंबर मिले वो भी 100 में से 100 है मेरे भाई, तालियां। ये जो अलग से ताली आ रही है ये परमेश की अपनी है, ये शूट पे आ गया था कि भाई कोई गलत कमेंट ना हो जाए, लेकिन खैर इन तमाम बातों के साथ जी ओवरऑल प्रोजेक्ट अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी और 100 में 100 ऑडियो को मिल गए, 100 में 100 डायरेक्टर को मिल गए, राफिया को आप मेरा नंबर दे दीजिएगा ठीक है, डन बट डन हो गया। ये गलत काम भी शुरू कर दिया है ना आपने, वैसे ही कहते हैं जी लाहौर में ऐसा हो जाता है तो आप परमेश से बात कर लेंगे ना, वो भी डीलर है। अच्छा वो ही डीलर है ठीक है, नहीं लेकिन सारे मजाक मजाक अपनी तरफ, घटिया बातें हमेशा वीजेस कर देते हैं, लेकिन राफिया का काम भी बहुत अच्छा था, बहुत प्रोफेशनल था और लग नहीं रहा था कि पहली दफ़ा कोई लड़की इस तरह परफॉर्म कर रही है, हालांकि जितना उसका वेट है उस हिसाब से वो बड़े अच्छी तरह उसने अपने आप को कैरी किया, आजकल जिम में ज़्यादा टाइम लगा रही है तो ये इन्होंने बताया मुझे जी, उन्होंने खुद बताया तो तुम्हें भी तो पता था जिम की फीस किसने भरी है, शर्माहट बता रही है। खैर चलो ठीक है, दोस्तों के काम आते, मेरी भी दोस्त होती तो मैं भर देता दादा एक टाइम मैं करूं। हाँ करेंगे जोर से, और ये थोड़ा सही नहीं था क्या बात, उस वक्त डराई जा रहे हैं आप मुझे इसमें।
पौंका डरा रहे हैं तुम्हें इतनी देर से, सही तरह बातें कर रहे हैं। खैर बार-बार लगता है सर पे आगे। अच्छा जितने भी आपके फैंस वहाँ देख रहे हैं या जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली दफा गाना आपका सुना होगा, बाज़ दफा ऐसा भी होता है ना पहली दफा सुन रहे हो, तो उनको क्या बताना चाहोगे कि आपको फीडबैक वगैरह कैसे देते हैं? आपने पहले भी बताया लेकिन दोबारा बता दें, और कोई खास चीज आप कोलैबोरेशन करना चाहें किसी के साथ, कोई और बात कहनी है तो कह सकते हैं। मेरा शुरू से एक था, क्योंकि जिस तरह के डिफरेंट थीम्स के साथ अबरारुल हक हमारे सॉन्ग्स फेंकते रहे हैं मार्केट में, तो मेरा भी शुरू से यही है कि अगर किसी करियर में कभी चांस मिले अबरारुल हक के साथ गाना करने का तो इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे। उसके अलावा जो भी सॉन्ग्स को मेरे फिर से सुन रहे हैं, नया अभी सुन रहे हैं, क्योंकि हुआ तो ये 2009 में रिलीज़ था मगर अभी भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना हुआ, तो दे कैन, अगर वो फीडबैक लेना चाहते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो दे कैन जस्ट लीव देयर कॉमेंट्स ऑन facebook.com/billyx69, ये मेरा फ़ैन पेज है। और जो भी मेरे मैनेजर से कॉन्टैक्ट में होना चाहते हैं उनका नंबर है 0 tetra 3 55 49 49। ठीक है, तो इन तमाम बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया बिली भाई, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहूँगा आपकी हर वीडियो इसी तरह कामयाब हो। और यहाँ जाते जाते जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आज लिजना थी हमारे शो में जिन्होंने होस्टिंग की है, उनकी होस्टिंग कैसे लगी ये आप जाके BOT अगर आप ब्रैकेट में लिखें और ARY म्यूजिक, इतना टेक्निकल जो है ना हमारे डायरेक्टर और ये जो इन लोगों ने है इस तरह की ग्रुप बनाया है, एक पेज बना देते हैं सीधा सीधा वीडियो ट्रायल का, लेकिन उन्होंने साइंस लड़ाई, उन्होंने ब्रैकेट में BOT फिर ARY म्यूजिक जाके लिखेंगे तो आपको हमारा जो है क्या कहते हैं ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ जाके आप फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लड़के लड़कियाँ वहाँ देख रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको VJ बनने का बड़ा शौक है, बड़ी ठरक है, तो इसका एक ही तरीका है, आपको BOT@ARYMUSIC.TV पे अपना नंबर भेजना है, और या आप स्काइप पे VAG.ZAG पे जाइए, वहाँ पर अपना एक मिनट का ऑडिशन दें, बगैर किसी लाइन में लगे, बगैर किसी और चक्कर के, बगैर कोई चटनी कहानी के आपको बुला लिया जाएगा और एक एपिसोड में आपको आउटडोर सेगमेंट का VJ बना दिया जाएगा। ईद के बाद मोस्ट प्रॉब्ली एक परमानेंट लड़का या लड़की सेट हो जाएगा जो आउटडोर सेगमेंट किया करेगा। इन्हीं तमाम बातों के साथ मिली भाई चले चाहिए पीने का पानी पीने का टाइम हो गया, चलो भाई अल्लाह हाफिज़।